चीन बरोबरची सीमा समस्या जटिल असून ही समस्या शांततेने सोडवण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे, मात्र त्याचवेळी कोणतीही परिस्थिती निपटण्यासाठी भारत सज्ज असल्याची ग्वाही संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज लोकसभेत दिली. पूर्व लडाखमधल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि सीमावर्ती भागातल्या घडामोडींबद्दल ते निवेदन देत होते. दोन्ही देशात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून मतभेद आहेत असं सांगतानाच भारत चीन यांच्यातल्या सीमेत बळानं बदल करण्याचा प्रयत्न भारत कदापि स्वीकारणार नाही असंही चीनला स्पष्टपणे कळवण्यात आल्याचं राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं. 1993 आणि 1996 करारांचं चीननं पालन केलं नाही. 29 आणि 30 ऑगस्टच्या रात्री चीननं कुरापतखोर कारवाई केली. चीनची ही कृती भारताला मंजूर नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. चीनमुळेच मेमध्येही सीमेवर तणावाची स्थिती उत्पन्न झाली होती. सीमाचा प्रश्न एक जटिल मुद्दा आहे जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए. अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है. इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं. इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा. इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता कायम राखली पाहिजे यावर दोन्ही देशांची सहमती झाली आहे. देशाचं सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी आपलं सैन्य प्रतिकूल हवामानातही देशाचं संरक्षण करत आहे. लडाखमध्ये सैनिकांनी सर्वोच्च बलिदान दिलं अशा शब्दात आपल्या वीर जवानांच्या शौर्याची राजनाथ सिंग यांनी प्रशंसा केली. आपली जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे. इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय. मैं सदन से अध्यक्ष महोदय यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं बहादुर उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए. हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं. भारत चीन सीमा मुद्द्याबाबत चर्चेची मागणी करत काँग्रेस सदस्यांनी लोकसभेतून सभात्याग केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांच्या वेतन भत्त्यात वर्षभरासाठी 30% कपात करणारे संसद सदस्य वेतन भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे.